अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, रोज़ाना एक न्यू और मज़ेदार सी वीडियो देखने के लिए कर लो सब्सक्राइब मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर करना है वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो, और साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। और यहाँ पर अभी मेरा जो नाश्ता है बिल्कुल ही सिंपल सा वो हो चुका है रेडी, नाश्ता यहाँ पर डन हो रहा है। चाय जो है वो मैं अपनी लेके और बाहर आ जाती हूँ क्योंकि मुझे टेरिस पे जो है वो चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। ताज़ा हवा भी आपको मिल जाती है और अगर धूप हो तो कोई 5-1 मिनट में धूप में भी खड़ी हो जाती हूँ, यू नो विटामिन डी जो है वो मिल जाती है। खैर, आज यहाँ पर धूप तो नहीं थी, बड़ा ही क्लाउडी और बड़ा ही प्यारा सा जो है वो मौसम था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी। इस तरह का मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शर्त यह है कि ह्यूमिडिटी ना हो, जो कि थैंक गॉड आज जो है वो ह्यूमिडिटी भी नहीं थी। और इसी तरह से जो है मैं हमेशा अपनी चाय पीती हूँ, यहाँ पर टेरेस पर आ जाती हूँ। जब हस्बैंड की छुट्टी होती है तो फिर हम दोनों आ जाते हैं, मतलब बच्चे भी साथ ही आ जाते हैं, और जब नहीं होती तो फिर मैं जो हूँ वो अकेली ही आके और यहाँ पर इंजॉय करती हूँ, वेदर को इंजॉय करती हूँ। सुबह सुबह यहाँ पर बड़ी प्यारी बर्ड्स की जो है वो आवाज़ आ रही होती है, उसको इंजॉय करती हूँ तो लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा। और थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है, जो लोग इतना ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हाय मिस्टर ली, How are you? Getting better. Yeah. Is there something happen in the morning time? I hear some. Yeah. I heard some voices. Yeah. Unfortunately, she's not moving. Oh, why? I don't think she's moving. I'm not sure. Really? Yeah. I don't think she's moving. We'll see. I hope I'm wrong. Hope so. Yeah. And everything is good? I'm getting better. I've had a sore throat for a couple of days. Okay. But now it's almost gone. Oh, that's good. Yeah. Okay. Taking it easy, doing the right thing. Yeah. Coffee with warm water. I have some medicine to take. Oh, good. Take care of yourself. How's the little girl? She's good. No problems? No, yeah. Thank God. Yeah, she's good. Yeah. Enjoy it. Yeah. Your children, to me, are both precious. You know? Yes, thank you so much. Have a great day. You too. Thank you. आज जो है यहाँ पर मैं करने लगी हूँ सारी क्लीनिंग, क्योंकि रूम में इतना ज़्यादा मैस हुआ है ना, 2 दिन से मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। और स्पेशली बेडरूम के लिविंग रूम तो साफ था, तो यहाँ पर आप देखें कि एक जो है ना तूफ़ान आया हुआ है और सारी की सारी जो कार्स हैं, जो टॉयज़ हैं, वो पूरे रूम में बिखरी हुई हैं। और यहाँ पर अभी मैंने ये शीट भी चेंज की है क्योंकि ये भी काफ़ी गंदी हो रही थी और फ्लोर भी देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। तो अभी जल्दी से करते हैं सारे घर को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, फिर जो है ना वो सुकून का सांस आएगा। तो जल्दी से क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी, रूम को यहाँ पर मैंने अच्छा सा जो है साफ सुथरा कर दिया है और इसके बाद साथ साथ में घर के जो छोटे छोटे से काम होते हैं ये भी चल रहे हैं। ये मैंने पुदीना जो है ना ड्राई करके रखा हुआ था क्योंकि मुझे ये सैलड में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है, तो यहाँ पर अभी मैं वो सेपरेट कर रही थी और मैंने पूरा जो बंच है उसको ही धो के ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब इसको मैं यहाँ पर करूँगी सेपरेट। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ड्री जो थी वो ड्रॉप करने वाली थी, लॉन्ड्री जो है वो ड्रॉप कर दी है। जितनी देर में ये वॉश होगी इतनी देर में हम लोग अपने जो बाकी के दूसरे काम हैं वो सबको जो है वो डन कर लेंगे। और माशाल्लाह से जी, ये रही मेरी बच्चा पार्टी जिसमें इशू जो है वो यहाँ पर सो चुकी थी और बिल्कुल बेचारी जो है ना वो बेंड हुई हुई थी नीचे की तरफ को। खैर, अभी हम लोग जा रहे थे, हस्बैंड का जो था आज चेकअप था यहाँ पर, मतलब हर 6 मंथ के बाद आपका जो है वो चेकअप होता है, तो बस उनके उनके डॉक्टर से जो है वो मीटिंग थी, रिजल्ट्स वगैरह लेने थे। और ये साथ ही में जो है ना क्लिनिक के बिल्कुल साथ ही में एक जगह थी, तो काफ़ी टाइम में उनको अंदर लग गया था, 5-10 मिनट का कह के गए थे। तो मैंने कहा चलो 5-10 मिनट गाड़ी में बैठ के बोर होने से अच्छा है कि बच्चों को लेके, और जो है ये साथ ही में जगह थी यहाँ पर जो इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मुझे फाउंटेन बहुत ही प्रीटी लग रहा था। तो मैं आ गई यहाँ पर। यहाँ पर मैंने बताया हर जगह की ना एक अलग ही जो है वो ब्यूटी होती है। ये जगह वैसे हमारे घर से थोड़ी सी दूर है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ना वो सारी की सारी इसी तरह से ही है कि बहुत उधर मतलब ब्यूटी के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ जो है ना वो ज़रूर रखी हुई है। और मैं भी बच्चों के साथ यहाँ पे बैठी हुई थी और मुझे खुद भी जो है ना वो भूख स्टार्ट हो गई है, बच्चों को भी। और जैसा कि मैंने बताया है कि जब बच्चों के साथ मैं निकलती हूँ तो मैं खाने पीने की खूब सारी चीज़ें लास्ट में जो हूँ वो लेके निकलती हूँ। और बस हम लोग जो है वो इसी तरह, कभी गाड़ी के अंदर थे कभी बाहर थे, बच्चे जो है वो जब तंग होते थे तो मैं इनको लेके बाहर आ जाती थी। और यहाँ पर भी मतलब वही सेम प्रॉब्लम है प्राइवेट डॉक्टर्स का कि समटाइम्स आपको बहुत टाइम लग जाता है, समटाइम आधा घंटा लग जाता है, घंटा भी लग जाता है।
तो मैंने कहा बोर होने से अच्छा है कि यहाँ पर जो हो थोड़ा बहुत घूम फिर लो। और कभी जो हम लोग गाड़ी में जाके बैठ जाते थे, कभी जो हम लोग यहाँ पर आकर वॉक करनी शुरू कर देते थे, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन ये जो फाउंटेन है ना, ये मुझे बहुत ही प्रीटी लग रहा था। और यहाँ पर जहाँ पर भी कहीं थोड़ा सा भी पानी होता है ना, तो काफ़ी सारी जो डक्स हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो ज़रूर देखने को मिलती हैं। खैर मैं इस जगह पर आई तो यहाँ पर मुझे बड़े अच्छे घर लग रहे थे, वाइट वाइट से लग रहे थे सारे बड़े प्यारे। तो मैंने सोचा कि इसको भी जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन फिर जो है मैं चल चल के थक गई थी, क्योंकि मैं स्ट्रॉलर भी नहीं लेके आई थी, तो बस फिर मुझसे ज़्यादा नहीं चला गया। मैंने कहा बस छोड़ो परे, इतना कौन जाए और जाके सारा जो है वो घूमे फिरे, तो बस ये वापसी की तरफ जो है वो चलते हैं। बस मैं इसी फाउंटेन को देख के इंजॉय करके, ये बड़ी प्यारी सी डक्स को देख के, बच्चों को दिखा के, और उसके बाद बस यहाँ से फिर जो है ना हम लोग वापस आ गए थे। और वापसी पे हम लोग यहाँ वॉलमार्ट आ गए, क्योंकि यहाँ से जो वीकली होती है हमारी ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो भी सब चीज़ें होती हैं, वो सारा कुछ हम लोगों ने ले लिया यहाँ से। अच्छा, आज मेरा प्लान था कि मैं वॉलमार्ट में आपको कुछ ऐसे सेक्शन सिखाऊंगी जो अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी जो है वो देखना अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग फिर बाद में मुझे पूछते भी हैं सवाल वगैरह, यानी कि वो लोग इंटरेस्ट से जो है वो देखते हैं। और यहाँ पर मैं आई थी इशाल के डायपर्स लेने, तो यहाँ पर साथ ही मेरे डायपर बैग जो हैं वो भी लगे हुए थे। और पहले मैं सोची थी कि यहाँ से कोई डायपर बैग ले लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये वाले अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे इनको देख के ना अपना स्कूल बैग याद आ जाता है। और देखते हैं कोई अच्छा लगता है तो ले लेती हूँ यहाँ से, लेकिन बस मुझे ना इससे हट के कोई डिफरेंट चीज़ जो है वो चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सारे हुए हैं जो या तो मैंने यूज़ किए हैं, और जो दूसरे स्कूल बैग टाइप हैं वो तो मुझे अच्छे ही नहीं लगते हैं। उसके बाद बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो शॉपिंग करनी थी, इस सेक्शन में आ गए। रायन को जो है वो एक सॉफ्टी चाहिए थी घर के लिए, और यहाँ पर मैं कुछ शूज़ देख रही थी इशाल के लिए, प्यारे और क्यूट से जो है वो मुझे मिल जाएँ। तो बस साथ ही साथ में जो है बच्चों की शॉपिंग का भी जो है, जब आप आते हैं स्टोर में तो सिलसिला चल जाता है। वैसे मुझे यहाँ पर वॉलमार्ट की जो चीज़ें हैं अच्छी लगती हैं, बच्चों के यहाँ से शूज़ वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और इसके अलावा इनके जो कपड़ों की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही में यहाँ पर हमारी जो शॉपिंग है वो हो चुकी है डन। और यहाँ पर से मैंने शाल के भी कुछ थोड़े से कपड़े ले लिए जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, प्रिंट्स वगैरह। और बाकी रायन जो है उसने यहाँ से ये ले लिया, उसको हमेशा जो है ना बस अपने टॉयज़ की लगी रहती है। खैर अभी हम लोग आ गए थे घर वापस, और ये वाला जो इसका टॉय था ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, बड़ा क्यूट सा बना हुआ था, बड़ा प्यारा बना हुआ था। और कार्स का जैसे कि इसको वैसे भी शौक है, तो वो भी जो है वो बहुत अच्छी लग रही थी। बाकी भी इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस थे, ये शूट भी करती है। तो खैर हम लोग क्योंकि जल्दी ही वापस आ गए थे, तो यहाँ पर अभी था डिनर का टाइम, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बिरयानी। वैसे भी जब आप थक के बाहर से आते हैं ना, तो फिर आपका दिल करता है कि कुछ इजी बिजी और मज़े का भी हो, इजी बिजी भी हो। तो मेरे लिए बिरयानी से ज़्यादा मज़े की कोई चीज़ नहीं हो सकती है, और मुझे ये बड़ा इजी भी लगता है क्योंकि आपको रोटियां नहीं बनानी पड़ती। और ये देखें कि वही जो मैंने ड्राई किया था मिंट, वो मेरे इसी तरह काम आता है। इसको मैं रायते में भी डाल लेती हूँ, और इसको मैं सैलड में भी डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया ड्राई मिंट को सैलड में डाल के खाना, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही में शाल के लिए मैं कह रही थी कि कोई इस तरह की चीज़ों हैंडी सी स्टिक टाइप जो कि ईजीली जो है वो खा ले, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है ये वही चीज़ होगी। लेकिन जब मैंने घर आके इसका बॉक्स ओपन किया तो ये तो जनाब कुछ तीसरी ही चीज़ निकली। खैर ये जो ऑरेंज वाली कैंडीज थी, चॉकलेट है बेसिकली, ये बहुत ज़्यादा मज़े किया। लेकिन ये वो है कि आपको खुद घर में जो है वो रेडी करना पड़ती है, तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना। इसको मैंने भी फ़िलहाल साइड पर रख दिया, फ्री टाइम में जो हूँ इसको मैं रेडी करूँगी, फिर बच्चों को खिलाऊँगी। अभी यहाँ पर जो थे मेरे चावल ऑलमोस्ट वो गल चुके थे, और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे ना कि मैं न्यू वाला पैकेट लेके आई हूँ, वो बहुत अच्छे चावल हैं, बहुत अच्छे। लास्ट टाइम वाला जो मेरा पैकेट था वो अच्छा नहीं गया था, लेकिन ये बहुत अच्छे थे। और लास्ट में इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है वो फूड कलर भी डाल दिया था, क्योंकि मैंने हल्दी इसमें बिल्कुल भी जो है वो ऐड नहीं की थी। और फूड कलर से यू नो एक प्रॉपर जो बिरयानी वाली वाइब्स है ना चावलों में, वो आ जाती है, मज़े की लगती है। और अगर चीज़ देखने में अच्छी हो ना, तो मेरे ख्याल से उसको खाने में भी जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, इसमें जो मैंने फूड कलर ऐड किया है ना, वो मैंने लेमन जूस जो है वो लिया था थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा पानी डाला था, और उसमें डाला था फूड कलर। उससे इसके टेस्ट में ये तब्दीली आई कि जो येलो कलर के जो चावल थे ना, वो जब आपके मुँह में आ रहे थे, तो उसके साथ साथ हल्की सी जो एक खटास है जो कि लेमन की वजह से थी, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लग रही थी। अक्सर लोग इसमें जो है वो इमली वगैरह डालते हैं, तो अगर आप वो ना डालें और सिर्फ फूड कलर को ही जो है आप लेमन में ऐड करके डाल दें, तो वो बहुत मज़े का जो है ना उसका वो टेस्ट आता है।
तो खैर यहाँ पर मेरी बड़ी मज़ेदार से जो बिरयानी है वो हो चुकी थी रेडी, और अभी मैं इसको लेके अपने बेडरूम में ही आ गई थी, क्योंकि साथ साथ में जो है मैंने कहा टीवी देखते हैं और बेड पे बैठ के सुकून से जो है बिरयानी इंजॉय करते हैं। इस तरह खाना आजकल पता नहीं क्यों हमारी रूटीन बन गई है, हालाँकि डिनर कभी भी हम लोग अपने बेड पर नहीं करते थे, लेकिन अभी कुछ दिन से जो है ना बस यही चल रहा है। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड ने जो है ना सारा ये वॉश कर दिया है, हमेशा ये जो एरिया है ना ये मेरे हस्बैंड वॉश करते हैं, और माशाल्लाह से उनकी भी नेचर में बहुत ज़्यादा सफाई है, वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। और ये इतना गंदा हो रहा था ना, और मेरे हस्बैंड की ऐसे ही आदत है, उनको जो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती या जहाँ भी कहीं उन्हें लगता है कि डर्ट है गंद है वो फ़ौरन से वॉश कर देते हैं। और जब भी ये टेरिस हम लोग ये अपने बाहर वाला जो है ये धोते हैं, तो साथ ही में जो बच्चों के टॉयज़ जितने भी बाहर होते हैं ये स्ट्रॉलर्स वगैरह ये सब कुछ भी वो साथ ही में वॉश कर देते हैं। और अभी उन्होंने यहाँ पर सारा जो है वो वॉश कर दिया था, और जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा तो मैंने कहा आपने तो कारपेट भी उठा के मतलब इतना प्यारा आपने सारा जो है वो नीट एंड क्लीन कर दिया, चमका दिया, तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी क्योंकि बस ये जो है ना अक्सर मुझसे रह ही जाता है ये एरिया साफ़ करना। खैर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर हम लोग इन्जॉय कर रहे थे अपना टीवी। और रात को फैमिली के साथ टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर हमने जो न्यू फिल्म आई थी एक विलन रिटर्न वो वाली जो मूवी है वो इन्जॉय की, अच्छी नहीं थी, मज़ा नहीं आया मूवी को देख के। खैर बस यहाँ तक ही था मेरा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात।